हाँ दोस्तों, डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास दिन है दोस्तों। आज 26 जनवरी है और हमारे देश में हर साल गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल होगा कि दोस्तों 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों उनको उसको बोलते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों 26 जनवरी 2022 को दिन हम लोग अपना 73वें गणतंत्र दिवस मनाए हैं दोस्तों। पूरे देश को इस दिन का इंतजार रहता है। सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में धूमधाम से तिरंगा फहराया जाता है दोस्तों। दोस्तों आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस की कुछ कहानियां। साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, तो साल 1950 में हुआ था दोस्तों। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था दोस्तों। दोस्तों संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की थी। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की ही स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान को 2 हस्तलिखित कॉपियां हस्ताक्षर की थी। दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह आदेश भारत में लागू किया गया था। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्र दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने के तारीख को महत्व देने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। दोस्तों पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया था। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था, भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था और इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों। भाइयों और बहनों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने देश की हजारों हजारों माताओं की गोद सोनी हो गई थी दोस्तों। हजारों बहन बेटियों की मांग का सिंदूर मिट गया था, तब कहीं इस महान बलिदान के साथ देश स्वतंत्र हो सका था दोस्तों। बहुत सारे बच्चे को भी या स्टूडेंट्स को भी गणतंत्र दिवस पे हिंदी में भी निबंध आते हैं और रिपब्लिक डे में ऐसे भी आते हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी ये फायदा होगा और हर नागरिक को जानना जरूरी है कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, उसको रिपब्लिक डे क्यों बोलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।